तो हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन के दस्तक की बात करते हैं। भारत में ओमिक्रॉन के दो केस सामने आ चुके हैं। इसके अलावा गुजरात के जामनगर में भी एक बुजुर्ग के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की आशंका है, जिसके बाद कर्नाटक में टीके का बूस्टर डोज देने पर विचार शुरू हो गया है। बढ़ रहा है ओमिक्रॉन का आतंक, भारत में भी पहुंचा नया वेरिएंट। ओमिक्रॉन ने दक्षिण भारत में दस्तक दे दी है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में दो लोग कोरोना के इस सबसे नए और सबसे खतरनाक वेरिएंट से पीड़ित पाए गए हैं, जिसके चलते बेंगलुरु से दिल्ली तक सरकार एक्शन में है। ओमिक्रॉन ने जिन दो लोगों के जरिए भारत में दस्तक दी, उन दोनों का वैक्सीनेशन पूरा हो चुका था। मतलब साफ है, ओमिक्रॉन ने टीके के सुरक्षा कवच को भेद दिया है। ओमिक्रॉन से संक्रमित दो लोगों में से एक विदेशी नागरिक है, जो अब दुबई जा चुका है। बेंगलुरु म्युनिसिपैलिटी के मुताबिक इस विदेशी नागरिक की उम्र 66 साल है। ये 20 नवंबर को साउथ अफ्रीका से बेंगलुरु आया था। वो अपने साथ नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट लाया था, लेकिन एट रिस्क कंट्रीज से आने के कारण एयरपोर्ट पर ही उसका आरटीपीसीआर टेस्ट किया गया। इसके बाद वो होटल चला गया, उसकी आरटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आई, हालांकि उसके अंदर कोई लक्षण नहीं मिले, लिहाजा उसे सेल्फ आइसोलेशन में रहने को कहा गया। फिर 22 नवंबर को उसका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया। विदेशी नागरिक ने भी 23 नवंबर को प्राइवेट लैब से कोरोना टेस्ट कराया, जिसमें नेगेटिव रिपोर्ट आई। इसके बाद ये नागरिक 27 नवंबर की रात एयरपोर्ट से दुबई शहर के लिए रवाना हो गया। राहत की बात ये रही कि जितने भी लोग उसके संपर्क में आए थे, उन सबकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इनमें 24 लोग उसके डायरेक्ट संपर्क में आए थे और इन 24 लोगों का कॉन्टैक्ट 240 लोगों से हुआ, लेकिन किसी में कोरोना का संक्रमण नहीं पाया गया। ओमिक्रॉन से पीड़ित दूसरा शख्स बेंगलुरु के बोमनहल्ली का 46 साल का हेल्थ वर्कर है, जिसकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री भी नहीं है, लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग सैंपल में उसके ओमिक्रॉन संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। जब इस हेल्थ वर्कर के संपर्क में आए 13 प्राइमरी और 205 सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स का टेस्ट कराया गया, तो उसमें 3 प्राइमरी और 2 सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इनमें एक इसका इलाज करने वाला डॉक्टर है। ये सब भी टीके की दोनों डोज ले चुके हैं। बहरहाल इन सभी के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। इन दोनों के साथ गुजरात के जामनगर से भी खतरे का अलर्ट आया है। यहाँ एक 72 साल के बुजुर्ग को ओमिक्रॉन संदिग्ध की कैटेगरी में रखा गया है। ये बुजुर्ग एट रिस्क देशों में शुमार जिम्बाब्वे से वापस लौटे थे और उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। और पिछले 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए हैं कर्नाटका में, जिसकी रिपोर्ट कल रात काफ़ी लेट आई थी, जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और वह जो 2 केस हैं उनके बारे में बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल हैं, दूसरा केस 46 साल के एक मेल हैं, और जैसे कि हमारा प्रोटोकॉल है, ना कि हमारे इंसाकॉग नेटवर्क ने उसको समय पर डिटेक्ट किया, बल्कि एज ए प्रोटोकॉल, एज ए प्रैक्टिस, जो हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की पद्धति भी शुरू हुई है, और जितने उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं और जितने सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हैं, उन सबको ट्रेस कर लिया गया है और उन सबकी टेस्टिंग करके उनको एज पर प्रोटोकॉल हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। कर्नाटक से आए खतरे की आहट के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई से बात की है। दरअसल ओमिक्रॉन के तेजी से फैलने की आशंका को देखते हुए सरकार फौरन एक्शन ले रही है। डेल्टा की तुलना में ओमिक्रॉन वेरिएंट 5 गुना तक ज्यादा संक्रामक हो सकता है। अब तक ओमिक्रॉन के 31 देशों में 376 केस मिल चुके हैं। इससे संक्रमित सभी मामलों में अब तक हल्के लक्षण पाए गए हैं। ओमिक्रॉन पीड़ितों के जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए स्वास्थ्य विभाग ने देश भर में 37 लैब बनाई हैं।